हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एटम। एटम जो है ये ग्रीक शब्द होता है जिसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल, यानी कि जिसको तोड़ा ना जा सके। अब हम आ जाते हैं इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, एन एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी भी एलिमेंट का वो छोटा हिस्सा जो रिएक्ट क्या करता है, हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन की सबसे पहले हम बता देते हैं कि एटम्स जो होता है हमारे किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। दूसरा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारी एटम कहलाती है, जो कि किस चीज से मिलकर बनी हुई है, वो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम एब्रिवेट करते हैं ई माइनस से, यहाँ पे ई हमेशा स्मॉल रहता है, प्रोटॉन पी प्लस और न्यूट्रॉन एन नॉट होता है। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन हमारे चार्जलेस होते हैं। अब एक बार हम एटम के स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके सेंट्रल पोजिशन पे क्या होता है, ये सेंट्रल पोजिशन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जबकि इसके चारों ओर क्या होती है, ऑर्बिट पाई जाती हैं। ऑर्बिट जो होती हैं, इनका दूसरा नाम शेल भी होता है, हम इसको शेल भी कह सकते हैं और ऑर्बिट भी कह सकते हैं। इन ऑर्बिट के चारों ओर कौन रिवॉल्व करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, क्योंकि हमने क्या कहा कि एटम हमारा थ्री पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का पोजिशन तो हमने देख लिया कि ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कहते हैं न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मगर जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ होते हैं और न्यूट्रॉन हमारा चार्जलेस होता है, इसलिए न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है।